उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र एक प्रोफेसर रविकांत चंदन की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जोरदार हंगामा कर रहे हैं। छात्रों ने प्रोफेसर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। इस पूरे विवाद का कारण है एक डिबेट के दौरान प्रोफेसर का काशी विश्वनाथ मंदिर पर टिप्पणी करना। वहीं रविकांत चंदन का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और कुछ छात्रों ने उनकी मॉब लिंचिंग करने की भी कोशिश की है। पूरा मामला इस समय सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई को एक यूट्यूब चैनल पर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर बहस हो रही थी। इस बहस में लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन भी शामिल थे। बहस के दौरान रविकांत ने स्वाधीनता सेनानी और राजनेता पट्टाभी सीतारमैया की बुक फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसकी जगह बनाई गई मस्जिद के पीछे की कहानी बताई। साथ ही हिंदू साधु संतों पर भी टिप्पणी की। प्रोफेसर रविकांत ने पूरे YouTube डिबेट का लिंक भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। उनके इसी बयान पर छात्र संगठन ABVP ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर ने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसका हवाला एक किताब से दिया गया है, जबकि इस किताब में छपी जानकारी सही है या गलत इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। फिर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल कर जिस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए ऐसे शिक्षक गलत जानकारी फैलाएंगे। उन्होंने मांग की है कि ऐसे शिक्षक को यूनिवर्सिटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, लिहाजा उनकी बर्खास्तगी की जानी चाहिए। उधर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच कर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रोफेसर रविकांत की विवादित टिप्पणी से आक्रोशित एक छात्र अमन दुबे की तहरीर पर लखनऊ के हसनगंज थाने में धारा 153A, 504, 505(2) और IT एक्ट की धारा 166 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि वे एक दलित हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक किताब में लिखी बात को कोट किया है। प्रोफेसर ने पट्टाभी सीतारमैया की उस किताब के पेज की फोटो भी ट्वीट की है, जिसमें ये पूरी बात लिखी है कि एक बार औरंगजेब बनारस के करीब से गुजर रहा था। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब है। खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्राभूषण विहीन भय से त्रस्त रानी दिखाई दी। जब औरंगजेब को पंडों की ये काली करतूत पता चली तो वो बहुत क्रुद्ध हुआ और बोला कि जहां मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस प्रकार की डकैती और बलात्कार हो वो निसंदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने के औरंगजेब के आदेश का तत्काल पालन हुआ, लेकिन जब ये बात कच्छ की रानी ने सुनी तो उन्होंने शहनशाह से कहलवा भेजा कि इसमें मंदिर का क्या दोष है, दोषी तो वहां के पंडे हैं। रानी ने इच्छा प्रकट की कि मंदिर को दोबारा बनवा दिया जाए, लेकिन औरंगजेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण फिर से नया मंदिर बनवाना संभव नहीं था। इसका जिक्र उसने अपने बनारस फरमान में भी किया है, इसलिए उसने मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की। रविकांत चंदन का कहना है कि जो छात्र उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने उनके लिए जाति सूचक शब्द भी कहे हैं। उनका ये तक कहना है कि उन्हें और उनके परिवार के लोगों को जान का खतरा है। ऐसे में उन्होंने हसनगंज के थाना प्रभारी से सुरक्षा की मांग की है। रविकांत ने थाना प्रभारी को लिखा लेटर ट्वीट भी किया है। इस लेटर में प्रोफेसर ने कुछ छात्रों के नाम लिखकर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं प्रोफेसर रविकांत की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आयुष ने। शुक्रिया।